अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ सूरह कौसर की फजीलत शेयर करूंगी। ये मक्की सूरत है, इसकी तीन आयतें हैं और ये एक रुकू पे है। इसके शान नज़ूल को अगर हम देखें तो एक रिवायत में है कि अरब में जिस शख्स का बेटा मर जाता था तो उसको जड़कटा कहा जाता था और अबतर भी कहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे हज़रत इब्राहिम और कासिम, उनका बचपन में इंतकाल हो गया था तो लोग उन्हें वहाँ के जड़कटा कहने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देते थे। उनमें आस बिन शिमाइल पेश था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीठ फेर कर बात करता था और आपको ताने दिया करता था। अरबों में बेटे ऐसी चीज़ समझे जाते थे कि उन्हें अपनी शान और अजमत समझते थे वो लोग। तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाज़िल फरमाई। इन्ना तैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। इसके कई मफहूम बताए गए, एक मायने तो इसके खैर कसीर के हैं, बहुत कसरत से मिलने वाली खैर और भलाई। इससे मुराद वो नहर भी ली गई है जो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी। इस तरह से इससे वो हौज़ भी मुराद है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने आपको खैर कसीर अता कर दी जिसका सिलसिला दुनिया से शुरू होकर आखरत तक जाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहती हैं एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के दरमियान मस्जिद में बैठे हुए थे। अचानक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद का गलबा आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। तो थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया और मुस्कुराए। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आपके हंसने का सबब क्या है। आपने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त एक सूरत नाजिल हुई है, यानी इस सूरत के नाजिल होने पर आप मुस्कुराए। फिर आपने बिस्मिल्लाह के साथ ये सूरत पढ़कर सुनाई। फिर फरमाया, तुम जानते हो कि कौसर क्या है। हमने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें खैर कसीर है और वो हौज है जिस पर मेरी उम्मत कयामत पे पानी पीने के लिए आएगी। इसके पानी पीने के बर्तन आसमान के सितारों की तादाद में होंगे, यानी अगर हम देखें, देखा जाए तो हम आसमान की तरफ देखें तो कितने सितारे होते हैं, यानी उसकी तादाद जितने वो बर्तन होंगे। अल्लाह अकबर। उस वक्त बाज़ लोगों को फरिश्ते हौस से हटा देंगे तो मैं कहूँगा कि परवरदिगार, ये तो मेरी उम्मत है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आप नहीं जानते इन लोगों ने आपके बाद कैसा दीन इख्तियार किया था, यानी नाम आप कर लेते थे लेकिन तरीक़े अपने वाले मना दिए थे, यानी जो आजकल हम देख रहे हैं, यानी ये लोग बिदअती हो गए थे। इस नहर के बारे में मेराज के वाक़े में भी तफसीलात मिलती हैं। बुखारी शरीफ से भी रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वाक़े में फरमाया, मैं एक नहर पर पहुंचा जिसके दोनों किनारों पर मोतियों के ढेर लगे हुए थे। मैंने जिब्रील से पूछा, ये नहर क्या है। तो उसने जवाब दिया, ये कौसर है, यानी आपको मेराज पर भी वो नहर दिखाई गई थी जिसमें पानी बह रहा था और किनारों पर मोती लगे थे। सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि कौसर से मुराद हर वो भलाई है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। अगर हम इसके फ़ायदे देखें तो किसी मरीज़ के सर पर हाथ रख कर 7 मरतबा अगर हम पढ़ें, जैसे किसी के सर में दर्द हो तो वो हाथ रख कर 7 मरतबा इस सूरत को पढ़े और पानी पर दम कर पी लें तो अल्लाह पाक शिफा देंगे। और 129 मरतबा पढ़ने की तो बहुत रिवायत मिलती हैं। 129 मरतबा अगर हम इस सूरत को पढ़ें तो अल्लाह पाक रिस्क के बेशुमार दरवाजे खोल देते हैं, और जो लोग जॉबलेस वगैरह हों तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इस सूरत को अगर ज़िंदगी का मामूल बना लें तो अल्लाह पाक ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा कर देती हैं। अल्लाह पाक हमारी और आपकी सबकी मुश्किलें आसान करें। आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।